नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में लोकेशन अपडेट को लेकर है। जैसा कि विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं उन लोगों को अब लोकेशन अपडेट करना है। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया हुआ था कि जो लोकेशन अपडेट का सिस्टम आया हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे जो लोकेशन अपडेट का सिस्टम है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसा कि आप कभी कभी लोकेशन अपडेट करती थी तो काम चल जाता था, लेकिन अब आज से आप लोगों को डेली बेसिस पे लोकेशन अपडेट करने का सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार से लोकेशन अपडेट करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो सभी सेविका बहनें इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो लोकेशन अपडेट का सिस्टम है उसको आप लोग अच्छे तरीके से जान जाएं और अपना लोकेशन अपडेट डेली बेसिस पे कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब आप लोगों को लोकेशन अपडेट कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोड वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ राइट साइड के कोने में, यहाँ पे आप लोगों को एक बार टैप करना है। ठीक है, यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे लिखा गया है यहाँ पर अपडेट लोकेशन, यानी कि आप लोगों को डेली बेसिस पे ये जो नियम है वो लागू कर दिया गया है। अब आप लोगों को डेली यहाँ पर लोकेशन अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन अपडेट दिखा रहा है 6 फरवरी 2024, यानी कि डेली बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन अपडेट करना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुँचेंगी तो सबसे पहला काम आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन अपडेट कर लेना है। तो चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अपडेट वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है क्या आप आंगनबाड़ी केंद्र पर हैं। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र पर हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो अदर कहीं से भी आप लोगों को लोकेशन अपडेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र पर ही जाके आपको लोकेशन अपडेट करना है। तो जैसा कि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच चुकी होंगी तब यहां पे यस पे क्लिक करेंगी। यस पे क्लिक करने के बाद आपका लोकेशन जो है कि वहाँ पर ऑन नहीं होगा, तो यहाँ से ऊपर से आप लोग जो लोकेशन का ऑप्शन है इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, लोकेशन को ऑन करते ही आपका जो AWC लोकेशन का अपडेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट होके आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली लोकेशन जो अपडेट है वो हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से आप लोगों को डेली आंगनबाड़ी केंद्र पे जाना है और सबसे पहले लोकेशन ऑन करके उसके बाद जो आप लोग डेली ट्रैकिंग करती हैं या जो आंगनबाड़ी केंद्र स्टेटस भरती हैं वो आप लोग काम कर सकती हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अपना मोबाइल बंद कर देती हैं तो उस टाइम आपका जो लोकेशन है वो ऑफ हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को डेली यहाँ पर लोकेशन अपडेट करने का जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।